नाम लिखा है ऊपर, फिर वो मेरे को बता दे। मेरा नाम रिमाइंडर पे क्यों लिख दिया आपने? अच्छा वहां पे नीचे नोट में लिखा है ना कि कुछ दिनों के बाद जेई का पेपर आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई को। क्या शुरू करने? हाँ, ये तो मैं आपसे पूछूंगा ना बेटा कि मैंने 2 दिन क्लास नहीं लिया, 2 नहीं मैंने क्लास नहीं लिया, तो सर आप मैंने, लोग रिवाइज वगैरह करके आए हैं कि बस ऐसे ही आ गए? सर मैं सच बताऊं आपको, पहले तो मेरे एग्जाम थे ना, उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, फिर मैंने भी नहीं क्लास लगाई थी। आप गए तो मैं भी नहीं लगाई थी क्लास, आज ही आई हूं मैं। हाँ, झूठ बोल रही है ना अवंतिका बेटा, आप लोग बताइए। ठीक नहीं सर, सच बोल रही है, आई नहीं थी क्लास में काफी दिन से। सर है, आप बताओ सानिया। सर मैथ्स का होमवर्क करके आए हैं, 50+ पे, क्या बात है बेटा, वेरी गुड, लवली, मजा आ गया, ऐसा बोला ना आपने। क्वेश्चंस किए थे वो किंग प्रॉपर्टी वाले। हाँ वो सर आपने पीडीएफ में डाल रहे थे वो। जी, आप लोगों ने किया बेटा क्वेश्चंस सारे के सारे। अब आगे का कराओ, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस ही है मुझे। चलो, एक अच्छी बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, खास करके आपके बैच में, स्कूल में चेक होना था, नहीं तो मार पड़ती। ठीक है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। हमारे बीवन की बच्चियां जो हैं वो तो अलग परफॉर्मेंस टॉप लेवल पे कर रही है भाई, क्या दिक्कत है? मतलब आप पीयर प्रेशर में ज्यादा काम करते हो क्या? इसलिए आप लोगों ने 11th में पढ़ाई नहीं किया ना, 12th में अब एग्जाम आया था, देखो सारे पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे दीपिका तो बहुत पहले से पढ़ाई कर रही थी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ डाउट है दीपिका बेटा आपको? कुछ डाउट है? क्वेश्चंस है ना, पर ना वो हो जाएंगे, थोड़े बहुत है, पर मैं ट्राई करूंगी, हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर मैंने जो पीडीएफ में सवाल भेजा था ना आप लोगों को, पीडीएफ में भी सवाल अटैच किया था, देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो अगर पीडीएफ के सवाल में अगर आपको दिक्कत आया तो मेरे को बोलना, मैं सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। अगर असाइनमेंट के क्वेश्चंस में दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन उसके साथ है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को ना सॉल्यूशन इसी उसके के ही साथ। सॉल्यूशन आपके असाइनमेंट में ऐसे भी है ना जो मतलब बेकार लगता है, तो कुछ बेकार लगता है मतलब थोड़ा टफ होगा ना? नहीं सर, अलग ही तरीके से होता है, मतलब हमारे से अलग वो होता है। अच्छा जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा बुक वाले ने किया रहता है, वो आपको सॉल्यूशन में गलती भी मिल जाएगा, तो डोंट थिंक कि मैंने सॉल्यूशन बैठ के किया है। अगर मैं किया रहता तो उतना मेरे बस की बात नहीं है ना, मैं टाइप करूं, अगर मैं किया रहूंगा तो लिख कर दूंगा आप लोगों को, है ना, वो लिखा हुआ मैं कर देता हूँ, वहां से आपको एरर भी मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप दूसरा तरीका भी निकाल लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आप शॉर्ट एनसीईआरटी भी पेस्ट करके डाल देते हैं? एनसीईआरटी। हाँ सर, कई क्वेश्चन होते हैं मतलब। ना ना ना, सुनिए, मैं एनसीईआरटी बुक से नहीं डालता। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे बुक्स मिलेंगे ना बेटा, मतलब जेई के हर बुक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी को हल्के में मत लीजिए, एनसीईआरटी भी अपने टाइम का इसके राजा। मिसलेनियस जो होते हैं ना, बड़े खतरनाक से है। हाँ, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आई होप कि स्क्रीन दिख रहा होगा, हमारे स्कूल में कल इंटीग्रल की शुरुआत हुई। बस बेटा छा जाना और कुछ नहीं, छा जाना एकदम। अब ये मत बोलना कि सर ये बता दो वो बता दो। हम तो छा चलिए, चुके हैं, दिख स्क्रीन दिख रही है? ठीक रही है सर। है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस होगी अब तो, मतलब यस सर, सर ने सर बोला लास्ट में चलो। बात करते ना, अभी टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, क्या बोला आप लोगों ने, फिर से बोलिए दीपिका। तो मैं बोल रही थी ना कि अभी ना क्लास शुरू करते, लास्ट में करेंगे बात। नहीं, लास्ट में तो नहीं कर सकते ना बात, क्योंकि मेरा लास्ट में दूसरा क्लास है। वो तो आप हमेशा लेट ही जाते हो, आज चले जाओगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो ठीक है, ऑफलाइन क्लास होने वाली है, ऐसा है क्या? चल करवा ही दो, यस आप स्टार्ट करवा दो, बाद में बता देंगे आपको। नहीं, कुछ सरप्राइज रखे हो क्या मेरे लिए आप लोग? आप करवा दो, टाइम वेस्ट हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, देखते हैं यार तुम लोग सरप्राइज रखे हो क्या, कुछ ऑफलाइन क्लास होंगी ये वो पता नहीं क्या। चिराग सर ने बताया, नहीं प्रियंका मैम ने बताया था ऑफलाइन क्लासेस होगी, तो वो दिसंबर में होगी। यस ऑफलाइन क्लासेस दिसंबर में होगी, वाह। सर, स्टार्ट करवा दो। हाँ सर, टाइम वेस्ट मत करो, देखो 7 मिनट लेट हो आप, जल्दी करो।
तुम लोगों को नहीं लगता है कि मेरे को सस्पेंस में डाल दिया तुम लोगों ने, बड़ा मजा ले रहे हो यार लोगों? चलिए ठीक है, कोई ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बार मैं फिर से सारा चीज पढ़ा देता हूँ बेटा, जो लेट आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आ जाया करो। मैं एक बार वापस से शुरू करा देता हूँ कि हमने अभी तक पढ़ क्या लिया है, उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वींस प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि सर ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5th है ना। चार प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिवाइज करा देता हूं चारे के चारों कि हमारा प्रॉपर्टी था क्या। ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। पहला प्रॉपर्टी था बेटा हमारा डमी वाला, डमी वेरिएबल वाला, कि अगर एक ऐसा ले लिया जाए जीरो से लेकर के ए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट को सेम रखते हुए अगर मैं वेरिएबल को चेंज कर दूं जीरो से ए और एफ ऑफ टी डी टी, तो हमारे इंटीग्रल के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डमी वेरिएबल। इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, यहां से एडवांस भी सवाल क्रिएट कर देता है। एक्चुअली इसके ऊपर कोई इक्वेशंस बनते नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको समझना पड़ता है कि सर अगर लिमिट सेम है, ओवरऑल फंक्शन सेम है, तो अगर एक्स के जगह पे हमने टी लगा दिया, पी लगा दिया, क्यू लगा दिया, फर्क नहीं पड़ता। जितना इसका आंसर होगा उतना ही उसका भी आंसर होगा। बात समझ में आ गई? डमी वेरिएबल था, तमन्ना बेटा जल्दी आया करो क्लास। सेकंड हमने आया था, सेकंड क्या था बताइए? चेंज ऑफ लिमिट। चेंज ऑफ लिमिट, क्या बात है। अगर जीरो से, या मैं ऐसा बोलूं कि अगर ए से लेकर के बी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? माइनस आता है बी और बी से तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स, माइनस साइन हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि बीवन वाले आज कुछ तो जादू कर रहे हैं आप। आजकल सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हो? सर ताना मारेंगे। मैथ्स में आता है, क्या बात है, वेरी गुड। नहीं सर देख तो लेना एक बार। अभी अभी ऐसा हो रहा है कि आप लोग सारे के सारे आंसर दिए जा रहे हो, पहले कभी हुआ नहीं था, मतलब पिछले कुछ लेक्चर से हो रहा है। आई मीन थर्ड बता दीजिए, थर्ड क्या था बेटा? थर्ड वो वाला, कौन सा वाला? किंग ऑड इवन वाला। ऑड इवन वाला, वेरी गुड। अगर ऑड इवन का पहचान क्या होता है, सिर्फ दो लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग भी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं ना कि हमारे बीवन बैच में सिर्फ दो ही लोग पढ़ाई करते हैं, बोल लिया करो। चलिए जी बेटा, थर्ड होता है ऑड इवन का प्रॉपर्टी। सबसे पहला आइडेंटिटी क्या हो उसका, कि उसको देखकर कैसे पहचानेंगे कि सर ये सवाल में ऑड इवन लग सकता है? जब उसकी लिमिट, मतलब सिमेट्रिक हो, लिमिट सिमेट्रिक होनी चाहिए। सर अगर ए है तो ए से लेकर के माइनस लिख देते हैं नीचे, थोड़ा खूबसूरत दिखे। और अगर कोई फंक्शन है dx, तो ये डिपेंड करता है फंक्शन के दो रूप पे। अगर फंक्शन ऑड आया तो आंसर क्या होगा बेटा? लोग देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या होगा बेटा? जीरो, क्या बात। एंड अगर फंक्शन इवन हो गया तो क्या होगा? माइनस आता है ना, देखो भूल गए, टू इंटू, अच्छा सर अभी याद आ गया। यस सर, क्या बात। चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या था हमारा? किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी क्या था बेटा, कि अगर ए से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस? सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। अच्छा, क्या किंग प्रॉपर्टी में हम लिमिट चेंज करते हैं? नहीं सर। तो कीपिंग द लिमिट सेम, वी कैन रिप्लेस एक्स बाय सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। इसको बोला जाता है किंग प्रॉपर्टी। इनके दो छोटे छोटे भाई कौन कौन से? माइनस ए से लेकर के ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो गया और फंक्शन ऑड नहीं है, इवन नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? नीनो फंक्शन होगा फिर वो। नीनो फंक्शन हम लोग सर लिमिट को सेम रखते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से। परफेक्ट। एंड तीसरा क्या था बेटा? जीरो से ए वाला। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? यही वाला है, यही वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये वाला। वैसे आता तो तीनों ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो सिर्फ ये दोनों ज्यादा आते हैं। फिर इसको कैसे रिप्लेस करेंगे बेटा? कीपिंग लिमिट सेम, सेम रहेगी, ए माइनस एक्स होएगा, ए माइनस
और इन तीनों प्रॉपर्टी का नाम क्या है? किंग प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा और इसमें अच्छा खासा आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया, ये भी अच्छी बात है। तो इनका नाम लिख देते हैं कि ये हमारा है किंग्स प्रॉपर्टी। वैसे सारे प्रॉपर्टी का नाम तो याद है ना आप लोगों को? यस सर। ये हो गया बेटा किंग प्रॉपर्टी, जो लोग नहीं जानते हैं सुन लीजिए, ये हो गया किंग प्रॉपर्टी, ये हो गया ऑड इवन प्रॉपर्टी, ये हो गया चेंज ऑफ लिमिट वाला, एंड ये हो गया डमी वाला। तो आज की कहानी की शुरुआत होगी बेटा क्वींस प्रॉपर्टी से। बड़ा मजेदार है। ये कौन है? नानू करके एंड अंजलि। बेटा आप जल्दी आया करिए, थोड़ा जल्दी आने से। नन्नू है, वो नन्नू है, तो बेटा जल्दी आया करो, आप जो भी हो एक्स वाई जेड प्लीज जल्दी आया करो। रजनीश। रजनीश तो लेट नहीं करती कभी, उसकी आईडी है शायद नन्नू वाली। अच्छा, इसका मतलब ये बाहर हो सकती है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग बेटा आपको। आइए आज की टारगेट की ओर बढ़ते हैं कि सर आज हमको पढ़ना है क्वींस प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिएगा, पहले समझ जाइए कि सर प्रॉपर्टी होता क्या है, बाद में आपको देखते रहना है, सवाल तो आप कर ही लोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार अगर यूज करना सीख गए तो अपने आप होने लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर छोड़िए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। क्वीन प्रॉपर्टी का सर पहचान क्या है? सबसे पहला चीज कि सर क्वीन प्रॉपर्टी का क्या कोई स्पेसिफिकली पहचान होगा? तो आंसर है ना। सवाल क्वीन प्रॉपर्टी का होगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, इतना हिंट आपको दे सकता हूं कि बेटा जो हम किंग प्रॉपर्टी में काम करते हैं एग्जैक्टली हम क्वीन प्रॉपर्टी में भी वही करते हैं, और इसका जादू दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अप्रोच करोगे किंग प्रॉपर्टी का, अगर ये फेल हो गया तब आप जाएंगे क्वीन प्रॉपर्टी में। क्वीन प्रॉपर्टी का काम क्या है? मान लीजिए सबसे पहला चीज कि अगर कोई फंक्शन है जिसका लिमिट जा रहा है जीरो से लेकर के 2a तक, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। आप इसका आंसर जीरो भी लिख सकते हो, लगेगा कि सर ऑड इवन भी है, और लगेगा कि सर किंग प्रॉपर्टी भी है। ये एक्चुअली ऑड इवन और किंग दोनों का ही। देखो इतना जल्दी आ गए कि मैं क्या बताऊं बेटा, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई है। तो ये आपको लगेगा कि ऑड वाला भी प्रॉपर्टी है, फिर पैरेलली आपको समझ में आया कि सर ये तो किंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रहा है। इसका आंसर समटाइम्स जीरो आता है, और कभी कभी हम इसका आंसर टू से लेकर के जीरो ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स लिख देते हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ऐसा हम कब करेंगे? देखिए, अगर आपने एक्स को रिप्लेस किया, मान लीजिए कि आपका फंक्शन है और आपने x को रिप्लेस किया सम ऑफ लिमिट माइनस x से, अगेन सेम चीज जो हम किंग प्रॉपर्टी में करते हैं वो भी क्वीन प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, कि अगर हमने सम ऑफ लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया, सम ऑफ लिमिट कितना आएगा बेटा लोग? 2a, तो ये माइनस x से रिप्लेस किया और ये इक्वल आ गया, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। अगर आपने सम ऑफ लिमिट से रिप्लेस किया, सॉरी ये यहां पे आएगा शायद, और ये माइनस दे दिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, तो हम इसका आंसर जीरो लिखते हैं। सेम दिया तो आपको ऐसा करना होता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। करना तो वही है जो हम किंग प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही जाना है आपको कि किंग प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हैं सर। हाँ, एक चीज ध्यान देना, क्वीन प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी है जो आपके लिमिट को रिड्यूस करने का काम करता है। मैं जो बार बार डायलॉग बोल रहा था आप लोगों से कि कीपिंग द लिमिट सेम, हम एक्स को रिप्लेस करेंगे, यहां पे वैसा नहीं करेंगे, हम लिमिट को रिड्यूस कर देते हैं। सर लिमिट रिड्यूस कैसे होता है ये बात में भी ध्यान दीजिएगा। बेटा टू बाहर आता है, हर बार सर टू ही बाहर आएगा क्या? ऐसा मत सोचना कि सर अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे सिर्फ टू ही बाहर आएगा, और अगर यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री बाहर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बार टू बाहर आएगा, और आप अपर लिमिट को टू से डिवाइड कर देंगे। तो मान लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा है, एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मान लो बेटा कि सवाल है इंटीग्रल जिसका लिमिट है जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, और यहां पे कोई फंक्शन है डीएक्स के साथ,
आप चाहते हैं कि सर इसमें मैं क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, क्या करोगे? टू बाहर निकालो, ऊपर पाई बाय फोर लिख दो, पाई बाय टू से डिवाइड कर दो और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाय फोर डीएक्स। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बोलिए यस सर। वेरी गुड, काफी बच्चे सो रहे हैं बेटा, जग जाइए। तो ये होता है किंग क्वीन प्रॉपर्टी का। अच्छा अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, वैसे लास्ट में आपको समरी में बता दूंगा, ठीक है, उसको याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट ही शॉर्टकट में काम आएगा। मैं ऐड कर दूंगा एक पेज में, ठीक है, वो लिख दूंगा, अभी लिखना तो टाइम पास ही है, मैं दे दूंगा तो भी याद कर लेंगे। मान लीजिए बेटा एक सवाल है, साइन पावर फोर एक्स डीएक्स, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, कर लोगे सॉल्व, आप बिना प्रॉपर्टी का सॉल्व कर लोगे, इनफैक्ट हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया भी है, याद है इसको क्या कर देते हम लोग, yes, x का स्क्वायर लिखते थे, फिर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करते थे, 1 माइनस cos 2x बाय 2 वाला फॉर्म में, और a माइनस b का होल स्क्वायर पे ओपन करके कहानी खत्म कर देते थे। लेकिन अगर ये कहानी हम ट्विन प्रॉपर्टी से खेलें तो बड़ा आसान है। पहले आपको हर बार क्या करना है बेटा, चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या f of x के बराबर आ रहा है कि माइनस दे रहा है। आप यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें सम ऑफ लिमिट माइनस x से रिप्लेस करूं, सम ऑफ लिमिट कितना होगा बेटा, 2 पाई, हर बार वही होगा 2 पाई माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट 0 होना है, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है, पिन प्रॉपर्टी का पहचान है कि लोअर लिमिट 0 होगा, हर बार 0 होगा, जैसे हम लोगों ने किंग प्रॉपर्टी का ये वाला बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जीरो था, वही काम कर रहे हैं, जीरो से लेकर के ए, जीरो से लेकर के ए, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। अब आगे चलते हैं, ये सवाल हम लोग सर बिना प्रॉपर्टी जाने भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ सी द पावर ऑफ क्वीन प्रॉपर्टी, अगर मैं साइन पावर फोर में, बेटा साइन ऑफ एक्स है, पावर फोर है मतलब इवन है सर, वो प्लस और माइनस को प्लस करने का काम करेगा और कुछ नहीं। साइन एक्स को अगर मैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स करूं तो बेटा ये आंसर कितना देता है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स, लेकिन क्योंकि बेटा पावर में 4 है तो ये इवेंचुअली क्या दे देगा, साइन का पावर 4x। तो हमने क्या देखा कि सर अगर मैं फंक्शन को सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे को फिर से फंक्शन ही देता है, मेरे को फिर से फंक्शन ही देता है। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा यहां पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो क्या करेगा, पहले आपको फेलियर दिखा देता हूं कि हम किंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर रहे हैं और फिर आपको रीजन बताऊंगा कि क्वीन प्रॉपर्टी हेल्प कहां पे किया। बेटा क्या ये वाला फंडा सबके दिमाग में गया, यस सर, एक्स को चेंज कर दूंगा 2 पाई माइनस एक से, क्योंकि पावर हमारा इवन है तो माइनस वाला भी पार्टी पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो हमने देखा कि सर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा। किंग प्रॉपर्टी का सबसे पहला फंडा बेटा, सवाल को छापो, सबसे पहला नियम तो यही है कि सवाल छापना है आपको। तो मान लीजिए मैंने इसको माना आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टू पाई साइन पावर फोर एक्स डीएक्स, फिर आई इज इक्वल टू सर इक्वेशन नंबर वन दे दो, इक्वेशन नंबर वन, वेरी गुड, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। एंड यहां पे बेटा जब मैंने रिप्लेस किया 2 पाई माइनस एक से तो ये क्या हो गया, फिर से वही आया था साइन एक्स डी एक्स, यस सर। हमने क्या देखा कि सर कुछ फर्क तो नहीं पड़ता आपको, वापस से तो सवाल ही मिल रहा है, तो किंग प्रॉपर्टी हमने लगाया क्या, अग्री करते हैं, समझ में आया आप लोगों को कि हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने में फेल हो गए सर, क्योंकि दोबारा घूम करके सवाल दे दिया सर यहाँ पे, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। तो क्योंकि किंग प्रॉपर्टी फील हो गया, मतलब पूरा का पूरा फेल, मतलब राजा लड़ाई हार गए तो रानी आएंगी ना लड़ने के लिए, तो बुलाइए सर। अब देखिए राजा हार गए तब तो सारी हार गई ना, क्या हो बेटा, तब तो सारी प्रजा हार गई ना, नहीं रानी भी लड़ाई लड़ती थी, ऐसा कुछ नहीं है, राजा हारने के बाद रानी लड़ाई लड़ती थी, सर पासवर्ड मांगा तब हुआ, गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट जॉइनिंग, बट सॉरी बोलने से नहीं होता है, यू हैव टू कम अर्ली। आइए अब हम क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अच्छा हमने तो एक चीज देखा कि सर यहाँ पे अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स देता हूँ
तो ये नेगेटिव आंसर नहीं देता, किधर गया देवा, नेगेटिव आंसर नहीं देता। अगर ये नेगेटिव देता तो मैं डायरेक्टली जीरो रख देता था, ये सेम टू सेम दे रहा है। तो सेम टू सेम में बेटा हम क्या करते हैं, लिमिट रिड्यूस करते हैं। इसका लिमिट रिड्यूस करके क्या पाएंगे हम लोग बताइए, लिखेंगे अप्लाई। देखो मैं जब भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो अब से मैं सिर्फ ये लिखा करूंगा, क्यों मतलब क्वीन प्रॉपर्टी के लिखूंगा तो आप किंग प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। तो आप समझेंगे कि मैं इसमें क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। क्वीन प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, आई इज इक्वल टू, कम कीजिए लिमिट को, टू बाहर आएगा। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर। जीरो, अपर लिमिट कितना होगा? अपर लिमिट परफेक्ट, जीरो से पाई। और ये क्या कितना हो गया बेटा, साइन पावर 4x dx। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब देखिए अब क्या किया जाए, सर वापस से तो साइन पावर 4 मिला। हाँ एक फायदा जरूर हुआ कि हमारे क्वीन प्रॉपर्टी में साली पावर मिल रहा था, यहाँ पे लिमिट रिड्यूस हो रहा है। तो अब क्या करेंगे सर, वापस से हम सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करेंगे। अब हमने देखा कि सर जैसे ही हमने सम ऑफ, ध्यान से सुनते जाओ, एक दो क्वेश्चन में टाइम लेंगे, बाद में धड़ाधड़ खेलते जाएंगे। यहाँ पे वापस में सर सम ऑफ लिमिट रखूंगा पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, सर साइन थीटा होगा, और इवन पावर है तो सर कभी नेगेटिव होगा नहीं, मतलब सर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा नहीं, मैं क्वीन अप्लाई करेंगे, वापस से क्वीन अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, बात समझ में आई बेटा, कैसे पकड़ रहा हूँ सबको? क्वीन अप्लाई क्वीन प्रॉपर्टी। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। अब क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, आई इज इक्वल टू फोर, जीरो हो जाएगा साइन पावर 4x dx। अब हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स करेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। हमको दोबारा सवाल नहीं मिल रहा है ना सर? नहीं, तो रानी के पास क्यों जाना है, रानी तो लिमिट रिड्यूस करने का काम करती है और कुछ नहीं। तो अब मैं इसको क्या मानूंगा बेटा लोग, इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि सर यहाँ पे हम राजा को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने माना, आगे चलते हैं सर, आई इज इक्वल टू, राजा क्या बोलता है बेटा, कीपिंग लिमिट सेम, के तो लिख दो, सॉरी के लिख दो सर, के भी लिख दो किंग। अरे हाँ जी सही बोला आपने, के भी लिख देते, आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हो, बार बार क्यू के लगाए पड़े हो सर। हाँ होता ही ऐसा है। अब कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पे cos पावर 4x dx होगा? हाँ सोचिए, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे बेटा, राजा को अप्लाई करने के बाद क्या ऐड करने में एक मिस्टेक होता है, क्या मिस्टेक होता है, वेरी गुड, टू आई इज इक्वल टू, बाकी सब तो कॉमन ही है, फोर जीरो से लेकर पाई बाई टू कॉमन है, यहाँ पे मिल गया बेटा साइन पावर 4x प्लस में कॉस 4x dx। अब क्या करेंगे सर, अब बताओ क्या किया जाएगा, अब कोई आइडिया आप लोगों के पास? होल स्केल में बदलना मतलब कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए सवाल आप बिना प्रॉपर्टी का भी अप्लाई कर सकते हैं, सवाल आप बिना प्रॉपर्टी अप्लाई मतलब बिना प्रॉपर्टी अप्लाई का भी कर सकते हैं, सवाल आप यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। एक यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं सर फॉर्मूला, गुड इवनिंग, सॉरी सर नेटवर्क इशू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे अगर आप लोग को फॉर्मूला मालूम है तो मैं से भी कर सकते हैं। बेस्ट आइडिया क्या होगा सर, क्या किया जाए? डोंट से कि सर साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x पाई बाई 2 होता है, ऐसा बिल्कुल मत करें। किसी को मालूम है कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? देवा से, हाँ ठीक है, अब मैं अंधेरा में हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमेशा याद रखो एक चीज कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, क्वाड्रेटिक में बताया था आप लोगों को कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए a पावर 4 प्लस b पावर 4, जस्ट राइट डाउन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद आप लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा समझिए, और ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में टू ए बी। बात समझ में आ गई, ये याद रखो। यस सर। इतना अगर आप लोग नहीं याद करोगे तो फिर तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा ना आप लोगों का। एक तो ऐसा होता है, और ये आता कहां से है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये प्लस टू ए बी आएगा, आपने माइनस टू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लस टू ए बी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है तो इसको उठा करके इधर भेज देंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो बेटा क्या करूंगा, I is equal to, ध्यान से देखिए, 2i is equal to, 2i छोड़ो ना, मैं 4 को काट दिया और i is equal to 2 हो गया, यहां से मैं इसको काट दिया, 0 से लेकर के 2, 0 से pi by 2, sin power 4 plus cos का power 4 क्या होगा बेटा, a square plus b square, मतलब sin square x plus cos square x कितना होगा, 1 होगा सर, माइनस में 2ab, 2 into sin square x cos square x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2 into sin square x cos square x। अब मैं क्या करता हूं बेटा कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, रीजन क्या होगा कि ऐसा देखते ही आप समझे कि सर sin 2x का होल स्क्वायर लिखा गया है और नीचे सिर्फ 2 लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा लोग, 1 माइनस sin 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dx। यहां तक किसी को दिक्कत? छोड़ दूंगा क्योंकि इसके बाद आप लोग समझ जाओगे, मेरे को मेरा इंटेंशन है कि आप लोग को प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे किया जाता है ये सिखाऊं। 2 0 से लेकर के पाई बाई 2, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा, ये हो गया बेटा 0 से लेकर के पाई बाई 2 2, और ये 2 को भी मैं बाहर ही ले लेता हूं, समझ गए? तो ये yes. अब ये सामने वाला हट जाएगा, ये हट गया, 2 dx माइनस में 0 से लेकर के पाई बाई 2, 2 तो बाहर होके कट गया, sin 2x, sin 2x कितना होता बेटा, sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा ये sin 2x का होल स्क्वायर लिखा है, दैट मींस ये लिखा है sin स्क्वायर 2x लिखा है, समझ गए? ये अब इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, आप लोग जानते हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x, 2x तो बेटा ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा, समझ गया ना? यस। ये देवा जल्दी जल्दी बोलेगा, 2 से ए हुआ 4, तो मैं इसके जगह 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 2, और इसके बाद का कहानी आप खुद संभाल लेना, समझ में आया? जीपी के लिख देते हैं, बिल्कुल सही। अब घर पे करिए आप इसको, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ आपके मन में आएगा सर, आंसर क्या होगा, तो बेटा आंसर लिख देता हूँ 3π/16 आंसर आता है इसका। सर आपको कैसे मालूम, क्योंकि बेटा इसको याद करना है आपको, मैं जो बोला ना कि मैं आपको कुछ इंटीग्रल दूंगा जिसको आपको याद करना है, मैं यहाँ पे जरूर लिख दूंगा क्लास के एंड में, उस इम्पोर्टेंट इंटीग्रल में ये भी आता है जिसका आंसर होता है 0 से 2 पाई साइन पावर 4 एक्स डीएक्स 3π/16 होता है, इवन ये कॉस रहेगा तो भी 3π/16 होगा। आइए जरा हम इसको निपटाते हैं। सबसे पहला चीज क्या बेटा, 0 से ए देखते ही, 0 से ए वाला देखते ही हमारा किंग और क्वीन दिमाग में घूमने लगना चाहिए, ये तो 0 से ए दिख रहा है, 0 से 2 ए दिख रहा है, तो चलिए हम तो किंग के किंग फेल होगा तब क्वीन के पास जाएंगे, समझ रहे हो बेटा, किंग फेल हुआ लिमिट रिड्यूस कर दिए क्वीन लगा के, फिर से किंग अप्लाई कीजिए, क्वीन डायरेक्टली नहीं लगता है याद रखना, पहले किंग चेक किया जाता है, अगर किंग फेल हुआ तो आप लिमिट रिड्यूस कीजिए क्वीन लगा करके फिर किंग लगाइए, तो क्वीन का काम ही इतना होता है कि आप लिमिट रिड्यूस करते जाइए और कुछ नहीं होता। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे एक्स को, a माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स, ये हो जाएगा बेटा cos 2π माइनस एक्स, और ये कितना होता है cos x होता है cos थीटा, cos x ही होता है, इसका मतलब कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा, किंग प्रॉपर्टी ना, किंग तो अप्लाई करेंगे नहीं क्योंकि किंग अप्लाई जैसे करेंगे, सॉरी बेटा क्या हुआ बताइए, कुछ नहीं सर, सिरानी वाली प्रॉपर्टी, हाँ जी रानी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्वीन अप्लाई करते हैं, क्वीन में कोई इक्वेशन नहीं बनता है याद रखें, क्वीन तो फालतू का होता है, बस लिमिट रिड्यूस करने का, इधर हो गया 0 2 0 और ये हो गया पाई कॉस का पावर 5x dx। अब क्या करेंगे बेटा, वापस क्वीन लगने के बाद हम क्या करते हैं, वापस किंग अप्लाई करते हैं सर,
क्वीन का काम है सिर्फ लिमिट रिड्यूस करना और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, वापस से हम चेक करेंगे कि सर सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से देखिए क्या हो रहा है। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये दिया है कॉस का पावर 5x, हम रिप्लेस करेंगे कॉस का पावर 5 पाई माइनस एक्स से, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस का 5 है तो आंसर कितना हो रहा है माइनस कॉस। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या देखा कि सर ये फंक्शन है और यहाँ पे क्या रहे, फंक्शन का नेगेटिव आंसर आ रहा है। हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं, जीरो। परफेक्ट, जीरो इज आंसर। बड़ा मजेदार सा हमने सर सॉल्व ही नहीं किया, आंसर दे दिए। हाँ जी, होता ही ऐसा है। आइए जरा इस सवाल में बढ़ते हैं। अब ये सवाल को आपको एक खासियत दिखाता हूं। अब अगर कोई बच्चा इसको चाहे हिम्मत करके कि सर हम लाइक रानी लक्ष्मी बाई, अच्छा वो झगड़ा के लिए बता रहे थे आप, ठीक है। अब यहां पे आते हैं बेटा, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको प्रॉपर्टी मालूम नहीं है, वो गया एग्जाम देने के लिए। ये सब बिल्कुल जेई में नहीं आता है, बहुत पहले आता थे सब ऐसे शक्ल के, अब थोड़ा इनका शक्ल चेंज हो गया है, बड़े फॉर्म में आते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड का ही सवाल है, आप गए बहुत पटेली से और आप सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल में इतना ही जानते हैं कि हमको लिमिट पुट करना होता है। देखिए जादू दिखाते हैं आपको, अगर ये लिमिट नहीं होता तो ये सर इनडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल था, बिल्कुल था सर। फिर आप बोलते ये दो बार dx क्यों आया, हाँ ये बोल देते आप, ये भी पक्की बात है कि आप बोलते जरूर। मेरे को भी यही लग रहा है क्यों आया दो बार। हाँ मैं जाना ना कि आप पूछोगे सर ये दो बार dx क्यों आ गया, सवाल पे ध्यान नहीं है लेकिन बताओ क्यों आया, गलती से आ गया। अब आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे बेटा। आप लोगों को एक फंडा सिखाया गया था कि अगर नीचे में साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो, कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो, या साइन और कॉस दोनों ही प्रेजेंट हो क्वाड्रेटिक में, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा लोग, we divide numerator and denominator by highest power of cos। फिलहाल यहाँ पे cos है नहीं लेकिन हम जानते हैं सर नीचे quadratic है तो cos square से आप divide करोगे। आपको बता रहे हैं कि बिना property का अगर आपने हिम्मत किया इस सवाल को लगाने में, देखिए कितना बड़ा पंगा हो जाएगा। आप इसको divide करेंगे सर zero से लेकर के pi। आप तो इतना ही जानते हैं कि सर definite integration में सिर्फ limit रख दिया जाता है। हाँ जी ठीक है, numerator और denominator को हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए कर दिया, ये हो गया sec स्क्वायर x और प्लस में 2 tan स्क्वायर x। आप लोग जानते हैं कि सर डिवाइड करने का पर्पस यही होता है कि कहानी में साइन और कॉस हट करके सेकेंट एंड टैन बन जाए, बाद में हम टैन को टी पुट कर देते हैं। अब थोड़ा एक जगह और साथ दीजिए आप लोग, जीरो से लेकर के पाई sec स्क्वायर x। कितने लोग समझते हैं कि सर नीचे वाला sec स्क्वायर दुनिया के आंखों के लिए है, हमारी आंखों के लिए वो 1 cos है कि नहीं, हाँ ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे हुआ बेटा? दिव्य दृष्टि से वी डोंट लाइक सेकंड डी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, ऐसा ही मान के चलिए, क्योंकि जब आप जानते हो कि सर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, पुट फंक्शन इक्वल टू टी, बहुत पहले सिखा दिया गया आप लोगों को। अब आप पुट करेंगे tan x को t पुट करेंगे, देखिए जादू क्या होता है, जैसे ही आप पुट करेंगे tan x इक्वल टू t, आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज करना होता है। तो tan x मैंने t पुट कर दिया, when x is equal to 0, जब x 0 होगा तो tan कितना होगा बेटा, समझ पा रहे हैं यहां से, x इक्वल टू tan इनवर्स t, yes इनवर्स t, तो आपका x हो जाएगा t हो जाएगा, सॉरी ठीक है ना, इसको मिटाइए। x को जब 0 रखेंगे तो बेटा ये होगा tan 0 और tan 0 होता है, this implies t equal to 0 होगा। जब आप x को रखेंगे पाई तो भी t का 0 होगा, tan पाई भी 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है, आप तो बड़ा फंस गए सर। ऐसा कौन सा सवाल है जिसको मैं पुट करूं तो लिमिट मेरा 0 से 0 बन रहा है, अब क्या करेंगे सर? बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। yes, समझ में आया बेटा कि अगर आप बिना प्रॉपर्टी पढ़े जाओगे तो ऐसे ही पाप करके आओगे, कर तो लोगे, आपके दिमाग में आइडिया भी रहेगा कि सर ये सवाल ऐसे किया जाता है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बस फंस गए। जब एक जीरो जा रहा है टी भी जीरो जा रहा है, जब एक स्पाई जा रहा है तो भी टी जीरो जा रहा है, तो सर ऐसा थोड़ी सवाल हुआ कि मैं लिख दूं जीरो से लेकर जीरो, ऐसा कौन सा लिमिट होता है सर?
अब कितने लोग समझ पाए कि सर लिमिट का पंगा हो रहा है यहाँ पे, बोलिए यस सर नो, हो रहा है सर। अगर लिमिट का पंगा हुआ तो आपका साथ कौन देगा? क्वीन प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया बेटा, क्वीन अप्लाई कर दिया। देखिए पहले मैं गलती दिखाया उसके बाद अप्लाई कर रहा हूं, ताकि आप ये मत समझो कि सर के दिमाग में कैसे आ रहा। जैसे ही मैंने बेटा क्वीन अप्लाई किया, जादू हो गया। क्या जादू हुआ? यहाँ पे पाई बाई टू हुआ और यहाँ पे टू हुआ। बोलिए यस सर। हो गया जी। हाँ जी सर। अब तो सर एक्स जब पाई बाई टू टेंड करेगा तो टी मेरा इन्फिनिटी टेंड करेगा। बोलो नहीं समझे सर? समझे सर। बाकी लोग समझ नहीं रहे क्या? आप लोग सो रहे हो बेटा? अगर सो रहे हैं तो बोलिए मैं छुट्टी कर देता हूँ, बढ़िया से सो लीजिए, मैं डिस्टर्ब क्यों करूंगा? सानिया और दीपिका ही बोल रहे हैं, बाकी इतने सारे बच्चे हैं क्या मतलब? मैं भी तो साइड में चालू करके छोड़ दिए रहेंगे, है ना? प्रिशु बेटा आप शांत हो, दिस इज नॉट फेयर। सर वो मैं बोल रही हूँ, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं बीच बीच में बोल रही हूँ। हाँ बीच बीच में बेटा म्यूट करके बोलेंगे तो कैसे आएगी? चलिए ठीक है सर, माइक ऑन करके बोल रही हूँ। अभी कैसे आवाज आ रही है? देखो झूठ भी बोलते हैं लोग, हे भगवान। सच में बोल रही थी मैं। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, आते हैं यहाँ पे। अब देखिए बेटा जैसे ही हमने क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई किया, हमारा ये सर पंगा ही खत्म हो गया कि जो जीरो से जीरो जा रहा था वो जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। आइए जरा सवाल को वेलकम करते हैं। हमारा सवाल बन गया आई इज इक्वल टू टू से लेकर के जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, और ऊपर वाला जो डी एक्स देवा इधर भी आ जा, आगे भी कुछ करना है। हम लिखेंगे यहां से डी एक्स इज इक्वल टू ना, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, देखते के साथ sec square x dx जो हो गया बेटा वो बन गया dt, क्या बना? 1 plus dt का whole square। नहीं समझे सर? समझ गए सर। रूट थ्री टी का होल स्क्वायर। हे भगवान ये फॉर्मूला हमको आता है क्या? 1/x² + a² का बिल्कुल आता है। आप मत बताओ, बाकी दूसरे लोग बताओ। चलिए देखते हैं कौन बताता है। दीपिका को छोड़ के आप बताइए, जल्दी बताओ। हाँ हाँ जी बेटा बताओ, प्रिशु बताओ। सर 1/2a। 1/a बेटा, फिर tan inverse x/a। क्या बात, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? I इज इक्वल टू टू से लेकर के 1/a, 1/a बोले तो 1/1 tan inverse ऑफ रूट थ्री बाई ए, सॉरी एक्स ना, तो ये हो गया रूट थ्री टी और ए तो वन ही है। लिमिट लगा देंगे जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, और क्योंकि ध्यान से सुनना, हमारे इस फॉर्मूले में एक्स का कोएफिशिएंट वन है। लाइट आ गया, शक्ल दिखा देता हूं आप लोग, है ना मेरा रोता हुआ शक्ल। एक्स के कोएफिशिएंट में वन है, वन होता है इसलिए यहां से ए के साथ वन मल्टीप्लाई होता है। जिस टाइम एक्स के साथ टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, आपको यहां से डिवाइड करना होता है। मैं आपको पहले कि मास्टर स्ट्रोक है जेई का कि एक्स का कोएफिशिएंट आप भूल जाओगे। सो यहां पे एक्स की जगह पे बेटा टी काम कर रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी से, और वो है कितना बेटा? रूट। अब आइए जरा लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I is equal to 2/√3 tan inverse root 3 into infinity करोगे तो कितना होगा बेटा? infinity हो गया ना, और tan inverse infinity कब होता है? pi by 2 पर। pi by 2 तो ये हो गया pi by 2 minus tan inverse 0 0 पे सर। तो final answer हो गया I is equal to 2/√3 into में pi by 2 बोले तो pi by root 3। बोलो नहीं समझे सर? देखिए कितना शांति है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को इतना शांति। दुनिया अलग परेशान है, हम अलग परेशान है। इधर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ही नहीं बनता। आंसर हो गया। आइए जरा खूबसूरत सम की ओर पढ़ते हैं। मुस्कान बेटा बताइए,
सर हमने फॉर्मूला गलत नहीं लगा गलत लगा दिया क्या? कहाँ भी बेटा? सर ठीक है सर, हमने एक जगह वन डाला है ना, तो एक्स की जगह रूट थ्री मैंने गलत लगा दिया टी की वैल्यू बोल रही होगी शायद नहीं मैं समझ गया, मुस्कान का डाउट है कि सर आपने यहाँ पे 1 बाई ए वो 1 बाई 2 ए एल एन वाला फॉर्मेट दिमाग में आ रहा है ना बेटा? नहीं सर वो नहीं बोल रही है वो। हाँ तो क्या, कौन सा फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया? देखो कंफ्यूज मत करो मुस्कान बेटा, आपको ये फॉर्मूला में डाउट था? रुक जाइए पहले मुस्कान से क्लियर कर लेते हैं। मुस्कान आपको इसमें डाउट था? सर मैंने सोचा ना आपने एक ही जगह रूट थ्री टी लिख दिया ना उसने। ना 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 सर आप समझा एक जगह पे वन है, ये कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना, इसलिए उसको डिवाइड किया है। सर आ गया समझ। अब आइए चलते हैं आगे, ये रहा हमारा सवाल। लेकिन ये सवाल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज याद करना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। तो बिल्कुल हम इसको कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादा है तो क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए और खुद से प्रूफ कर लीजिए। याद करने वाली बात है, याद ही रखेंगे इसको, रिमेंबर। पहला जीरो से लेकर के पाई बाई टू, लिमिट हमेशा बेटा जीरो से लेकर पाई बाई टू होगा। अगर आपसे कोई बोले ln sin x dx कितना होगा, या अगर आपसे कोई बोले जीरो से लेकर के पाई बाई टू ln cos x dx कितना होगा, या आपसे कोई बोले जीरो से लेकर के पाई बाई टू ln sin 2x dx कितना होगा, आप उसको आंसर देना। भैया आंसर होता है माइनस पाई बाई टू ln 2। पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में हमने भी आपको एक और फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? बोला था याद रखना, वो था, उसको भी लिख देता हूं, वो था हमारा जीरो से लेकर के पाई बाई फोर ln वन प्लस टैन एक्स। यहां तक बोला था कि बेटा ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, याद रखें dx इज इक्वल टू पाई बाई एट ln 2 होता है, याद रखिए इन सब चीजों को। आज मैं कुछ ऐसे ही इंटीग्रल्स आपके स्लाइड पे ऐड कर दूंगा, लिख लेना उसको बहुत अच्छे से। डेफिनेट इंटीग्रेशन जहां से शुरू की हो अपने नोट्स में वहीं पे चिपकाओगे तो और अच्छा रहेगा। आइए जरा चलते हैं आगे। देखिए एक बड़ा ऑब्वियस डाउट आएगा कि सर ये फॉर्मूला हमको यूज कब किया जाएगा, तो पहला चीज कि बेटा लिमिट हमेशा जीरो से पाई बाई टू होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको साइन कॉस जो दिखेंगे वो एलएन के साथ दिखेंगे, फॉर्मेट बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ln sin x, ln cos x, ln sin 2x, 0 से pi by 2 लिमिट, ये गारंटी है। ln ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin cos, इसका आंसर आएगा बेटा माइनस पाई बाई टू ln 2, खत्म। आइए दिखा देते हैं आपको कि सर ये कैसे होगा। सवाल घूर लो पहले, बहुत बढ़िया से घूर लीजिए। घूर लिया? घूर तो लिया, घूर लिया ना, अपने गंदे नजर से इसको देख लो, देख लिया सब लोगों ने। अब आपको दिखाते हैं जादू। एक बात तो सर समझ में आ गया कि अगर हमको रैंडमली ये सवाल मिल जाए तो बड़ा पंगा होगा। कैसे पंगा होगा सर? मुझे बस इतना याद आ रहा है कि एलएन के साथ ही ट्रिग्नोमेट्रिक बैठा है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लिमिट में आपने बोला था जीरो से पाई बाई टू होना चाहिए, सर यहाँ लिमिट भी धोखा दे दिया। तो एक काम करो सर, जगह पाई बाई टू लिख देते हैं। हाँ जी, ना ना जादू देखिए, जादू देखिए, मैं पुट कर दूंगा, पुट पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। अब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा सर एक्स इज इक्वल टू, या हाँ एक्स इज इक्वल टू टू टी बाई पाई हो जाएगा। अब पुट करने से काम तो होता नहीं है सर, हमको डिफरेंशिएट भी करना होता है, कर लो। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा डीएक्स इज इक्वल टू टू बाई पाई डीटी हो जाएगा। चलो यहां तक भी सही है। एक चीज और कि सर पुट करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट भी चेंज करते हैं, करिए। जब एक्स आपका होगा जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी हो जाएगा जीरो,
व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, बेटा दिखा टी का वैल्यू कितना हो रहा है, सर ये धोखा था एग्जैक्टली. तो आंसर क्या बन रहा है बेटा, जीरो से लेकर के पाई बाई टू, आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर के पाई बाई टू एल एन साइन एक्स, पाई एक्स की जगह पे आपने रखा है टी, डी एक्स के जगह पे आपने रखा है टू बाई पाई डी टी, टू बाई पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए इसको. समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. टू बाई पाई और ये हो गया डी टी. अब आप लोग को लगेगा कि सर ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले जैसा नहीं है. है बेटा, ध्यान से देखेंगे तब आपको बताया गया है कि अगर फंक्शन सेम हो लिमिट सेम हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक्स है कि डी एक्स है कि वाई है कि क्या है, सर फर्क ही नहीं पड़ता. ये डमी वेरिएबल जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो एक्स के टर्म्स में पढ़ाया गया है. यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मिला टी के फॉर्म में, लेकिन डमी वेरिएबल आपको यही तो सिखाता है कि अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो बाकी वेरिएबल क्या है सर हमको फर्क नहीं पड़ता. तो फाइनली आंसर क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू टू बाई पाई और इनका आंसर क्या होगा माइनस पाई बाई टू से टू गए, पाई से पाई गए माइनस ऑफ एल एन टू, पाई मार दिए ना इसको, एल एन टू माइनस एल एन टू आंसर आ रहा है. बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर, समझ गए सर. है ना प्यारा सा फॉर्मूला, ज्यादा मेहनत नहीं करना है सर. अच्छा देखो ऐसा भी नहीं है कि आपको सवाल देकर के नहीं समझ में आएगा कि सर ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगा हम नहीं बता सकते. बता सकते हैं, आपको बता दिया बेटा. लिमिट तो छोड़ो, पहले ln sin x ln cos x दिखा आप समझेंगे सर लगने वाला है. अब लिमिट के बारे में कुछ सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगा आंसर. आइए जरा दूसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं. जादू देखना चाहोगे? सिखा दो सर. यहाँ पे आपको ये लगेगा कि सर फॉर्मूला तो लग रहा है. हाँ सच में लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन जानते हो और है धोखा ये है कि सर ये एक्स क्यों बैठ गए यहाँ पे हमारे फॉर्मूला पे. आपने एक, हाँ जी सर, आपने ना एक क्वेश्चन ऐसा ही डाला था ना, उसमें जो आपने अटैच करके डाले थे ना पीडीएफ में, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी सेम. हाँ अब देखिए उसका निपटाते हैं, उसको कैसे निपटाया जाता है. हमारे पास राजा रानी भी प्रॉपर्टी है, बहुत काम आते हैं वो लोग, बहुत काम के बंदे. आइए इनको समझाते हैं. सर ये तो फील आ गई थी कि हम वो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे माइनस पाई बाई टू एल एन टू, लेकिन पंगा सर इसका था, इसको कैसे निपटाया जाए. तो सबसे पहले ऑड इवन होगा नहीं सर, लिमिट सिमेट्रिक है नहीं, तो ऑड इवन का थॉट भी नहीं आना चाहिए दिमाग में. राजा बचे और रानी बचा. राजा राजा और रानी में भी हम जानते हैं सर रानी का काम लिमिट रिड्यूस करना है, लगते तो राजा ही है. चलिए इसमें राजा लगाते हैं. अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, तो फिर मैं यहां पे के लिख देता हूं. किंग प्रॉपर्टी का बेटा पहला चीज, इसको आप इक्वेशन नंबर वन माने, बिना इक्वेशन वन माने बढ़ो मत, ये चलो वन मान लिया. फिर हम क्या करेंगे बेटा, आगे चलेंगे सर. आई इज इक्वल टू, ये भी आई इज इक्वल टू ही है, ऊपर वाला भी जीरो से लेकर के पाई. किंग में हमारा लिमिट रिड्यूस नहीं होता है, एक्स को रिप्लेस करेंगे सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से. एल एन देखिए कोई अभी आ रहा है, x को रिप्लेस कर दिए पाई माइनस एक्स डी एक्स. यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल नहीं सर. जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स, एल एन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा बेटा? साइन थीटा एक्स डी एक्स. क्या बात है, जैसे ही हमने सॉल्व किया इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर टू. अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड करने में पहला क्या गलती होता है, 2i. देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा. जब इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो ln sin x तो बेटा कॉमन आ जाएगा, लिमिट हमारा कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा π माइनस x प्लस x. समझे कि नहीं समझे? यस सर. तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं जीरो से लेकर के π, π ln sin x, बोलिए हां कि ना? Yes, sir. अग्री करते हैं बेटा? Yes, sir. Very good. Yes. अब आप यहां तक भी कर सकते हो कि सर ये पाई उठा के बाहर कर दो क्योंकि पाई कांस्टेंट है. यस बिल्कुल कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी आपको एक डाउट आएगा, सर आपने तो बोला था कि लिमिट जीरो से पाई बाई टू होना चाहिए, यहां से लिमिट जीरो से पाई है, तो अब किसको अप्लाई कर दिया जाए? क्वीन रूल, क्वीन प्रॉपर्टी। लिमिट को कम करना है, रानी को बुलाइए सर, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बताइए बेटा क्वीन प्रॉपर्टी होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू आई इज इक्वल टू टू पाई टू क्या बात है? उसका तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम लोग, टू से टू गया क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्ट आंसर में, माइनस फाइव बाई टू एलेवन। सो फाइनल आंसर कितना हो रहा है, आई इज इक्वल टू माइनस फाइव स्क्वायर बाई टू एलेवन टू। समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, बहुत ही काम का फॉर्मूला सर। यस, बड़ा काम का फॉर्मूला है। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बात तो समझ में आ गई सर, हमको ज्यादा डरना नहीं है, कुछ ना कुछ करके देखो। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था, आज हमने सारे प्रॉपर्टी रिवाइज किए, बस किसको छोड़ दिए हम लोग, ऑड इवन को। ऑड इवन भी होगा जब वो लिमिट सिमेट्रिक दिखेगा तो समझ में आता है। डमी वेरिएबल का भी फॉर्म आ गया सर, ये देवा, डमी वेरिएबल का भी फॉर्म आ गया, किंग क्वीन तो कब से लगा रहे हैं। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी काम आया ना लोग, नहीं तीन ही आया काम, तीन तीन आया, ये आप लोग कर लेंगे इससे। अरे बिल्कुल हारना थोड़ी है आपको, घर पर करें। आप जानते हो कि सर 1-cos x तो दुनिया के लिए दिखावा है, हमारे लिए तो कुछ और होगा। पहले किसको लगाएंगे, राजा रानी लगाइए, देखिए क्या जादू होता है, बन जाएगा पक्का। इसको कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे सर, इसे टी पुट करके कर सकते हैं। किसको टी पुट करेंगे हम लोग, किसको टी पुट करेंगे, सोचा सही है आपने, बस बताओ किसको टी पुट करेंगे, एक्स को की साइन इनवर्स एक्स को, बताओ बताओ, एक्स को, इसको टी पुट करेंगे क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, नहीं तो साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, परफेक्ट, एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, ये मुझे चाहिए था। अब देखो बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे मालूम है आपको, वो बच्चा यहीं पे उसको डिफरेंशिएट कर देगा और ये गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसे सवाल इनडेफिनिट में भी करा के रखा हूं मैं। अब आइए, जब एक्स का वैल्यू होगा जीरो तो टी कितना होगा बेटा, जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो, जब एक्स का वैल्यू होगा वन तो टी कितना होगा, तो टी का वैल्यू पाई बाय टू, साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होगा ना, नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डीएक्स इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, कॉस टी कॉस टी डी टी, ये हो गया। सवाल देख लेते हैं सर, आई इज इक्वल टू, लिमिट चेंज हो गया जीरो से लेकर के पाई बाय टू, साइन इनवर्स को हमने रखा था टी, आई थिंक सो यस, और dx आया है हमारा cos t dt, जी बिल्कुल आया सर cos t dt, और नीचे कितना आया सर, नीचे x, x तो आपका tan t है, नो sin t है, sin t है सर। इसके बाद क्या किया जाएगा, क्या मालूम क्या करोगे सर, कुछ तो करोगे आप, हाँ जी, जीरो से लेकर के पाई बाई टू t, और यहां पे होगा cot t dt। बड़ा ही मजा आया सर, बड़ा खूबसूरत समय, देखिए कैसे। इसके बाद आपका दिमाग फिर से ब्लैंक हो जाएगा, सर अब क्या करें। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, इतना याद रखना कि सर कहीं ना कहीं बेसिक हमारा गड़बड़ हो रहा है, सोच ज्यादा रहे हैं पीछे छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके। आप लोगों को दिख रहा है बेटा, एक एल्जेब्रिक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मैंने ट्रिक बताया है, और नहीं भी बताया कोई दिक्कत नहीं सर, इंडिकेटर पार्ट से तोड़ दो, आई लेटर यस लॉग
आई लेट में ए अलजेब्रिक, यू आपका ये हो गया और ये क्या हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्री बी हो गया, याद किए हो? जरा मैं पूछ लेता हूँ कितने लोग याद किए हैं इंटीग्रेट यू इनटू बी डी एक्स? का होल dx ना, ये भी dx आता है, ये भी आपको बताया था कि बेटा कई बार वहां पे भी गलती करोगे आप, dx को भूल जाओगे। और जे का पिछला सूत्र ही बताया, जे का पीवाई किस लेके बताया था आप लोगों को, चलिए याद पे आते हैं। अच्छा देखिए, कई बार ना बच्चों को एक डाउट आता है, बड़ा कॉमन डाउट आता है, वो बच्चा ये सोचता है कि सर लिमिट हमको यहाँ पे लगाना है कि हमको ओवरऑल लिमिट लगा देना चाहिए? ओवरऑल लिमिट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां मर्जी लगाना है लगा दो। हम प्रीफर करते हैं कि अकेले अकेले लिमिट लगाएं, क्यों ओवरऑल लिमिट बड़ा सा बॉक्स में दिखा रहा है, गलती हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा यू, यू बोले तो हमारे लिए यू कौन है? अलजेब्रिक फंक्शन टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई टू कॉट टी डी टी, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर के पाई बाई टू, फिर हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स। कितने लोग समझ पा रहे हैं सर टी का डेरिवेटिव तो वन होगा सर, होगा यस सर cot t, बेटा यहाँ पे लिखेंगे cot t का इंटीग्रेशन, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ cot t कितना होगा? छोड़ो ln sin, अभी छोड़ते हैं सर, अभी यहाँ पे आते हैं cot t dt, लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, आप लिमिट एक बार लगाइए ओवर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? यस सर। ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ कि अकेले अकेले लिमिट लगाऊं। अच्छा अब आप लोग बोल रहे थे कि सर इसको आप लिख दीजिए ln sin, कितना बोला आपने? ln sin sin mod of t x dx ना, t अच्छा x क्यों लिखना है? यस यस सॉरी सॉरी सॉरी, ln sin t dt यही बोला ना आपने? यस सर। आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि सर ये है कितना, यस ये माइनस ऑफ पाई ln 2। देख रहे हो डमी वेरिएबल वापस यूज हो गया सर, सर सवाल टीम में है यार, हमने इसमें किया है, क्या फर्क पड़ता है? तो I is equal to हो जाएगा बेटा t into वापस यहाँ पे ln sin t, ln of sin t dt, जीरो से लेकर के π/2, और इसका तो डायरेक्ट आंसर जानते हैं सर, माइनस π बाई टू ln 2, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस π बाई टू ln 2। I is equal to ओवरऑल लिमिट लगाना ही बढ़िया था ना, टीबी बेचारा निपट जाता है एक ही साथ, ये टी इसको छोड़ना मत, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस समझ रहे सर। टी उसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो कितने लोग देख पा रहे हैं सर पाई बाई टू एलएन साइन पाई बाई टू मतलब वन माइनस, नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? आ रहा है सर नहीं, आप पाई बाई टू यहाँ पे रखोगे साइन पाई बाई टू वन जीरो, जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो एलएन जीरो नॉट डिफाइंड, क्या किया जाएगा सर? अब क्या किया जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये है ना जीरो बगल में, निपटा देगा उसको। आंसर फाइनली कितना आएगा? पाई बाई टू एलएन टू। आई होप समझ में आया आप लोगों को पूरा चीज, ये बिल्कुल आ गया। तो यहाँ हम फिनिश कर रहे हैं क्वीन प्रॉपर्टी के साथ, बाकी की कहानी आप खुद से करिएगा, चार सवाल होमवर्क है, ठीक है, सारा आइडिया आपको मिल गया। यहाँ पे भी आप समझ करेंगे सर लग तो जाएगा, लिमिट भी हमारा बड़ा प्यारा है, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है सर, जैसे ही दिक्कत किया राजा रानी को बुलाओ निपटा देंगे वो लोग, ठीक है जी? तो आज ये बस इतना ही, बाकी के चार सवाल आप करिएगा। That is all for the day. मिलेंगे आपसे अब कब? अगले क्लास में मिलेंगे। आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है।